श्री कृष्ण लीला। जब देवर्षि नारद जी चले गए तब कंस ने केशी को बुलाया और कहा, तुम ब्रिज में जाकर बलराम और कृष्ण को मार डालो। वह चला गया। इसके बाद कंस ने मुष्टिक, चानूर, शल, तोशल आदि पहलवानों, मंत्रियों और महावतों को बुलाकर कहा, वीरवर, चानूर और मुष्टिक, तुम लोग ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। वसुदेव के दो पुत्र बलराम और कृष्ण नंद के ब्रज में रहते हैं। उन्हीं के हाथ से मेरी मृत्यु बतलाई जाती है। अतः जब वे यहाँ आवे तब तुम लोग उन्हें कुश्ती लड़ने लड़ाने के बहाने मार डालना। अब तुम लोग भांति भांति के मंच बनाओ और उन्हें अखाड़े के चारों ओर गोल गोल सजा दो। उन पर बैठकर नगरवासी और देश की दूसरी प्रजा इस स्वच्छंद दंगल को देखें। महावत, तुम बड़े चतुर हो। देखो भाई, तुम दंगल के घेरे के फाटक पर ही अपने कुबले पीड़ हाथी को रखना और जब मेरे शत्रु उधर से निकलें तब उसी के द्वारा उन्हें मरवा डालना। इसी चतुर्दशी को विधिपूर्वक धनुष यज्ञ प्रारंभ कर दो और उसकी सफलता के लिए वरदानी भूतनाथ भैरव को बहुत से पवित्र पशुओं की बलि चढ़ाओ। परीक्षित, कंस तो केवल स्वार्थ साधना का सिद्धांत जानता था, इसलिए उसने मंत्री, पहलवान और महावत को इस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदुवंशी अक्रूर को बुलवाया और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, अक्रूर जी, आप तो बड़े उदार दानी हैं, सब तरह से मेरे आदरणीय हैं। आज आप मेरा एक मित्रोचित काम कर दीजिए, क्योंकि भोजवंशी और वृष्णिवंशी यादवों में आपसे बढ़कर मेरी भलाई करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ये काम बहुत बड़ा है, इसलिए मेरे मित्र, मैंने आपका आश्रय लिया है। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र समर्थ होने पर भी विष्णु का आश्रय लेकर अपना स्वार्थ साधता रहता है। आप नंद राय के ब्रज में जाइए, वहां वसुदेव जी के दो पुत्र हैं, उन्हें इसी रथ पर चढ़ाकर यहाँ ले आइए। बस अब इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। सुनते हैं, विष्णु के भरोसे जीने वाले देवताओं ने उन दोनों को मेरी मृत्यु का कारण निश्चित किया है, इसलिए आप दोनों को तो ले ही आइए, साथ ही नंद आदि गोपों को भी बड़ी बड़ी भेंटों के साथ ले आइए। यहाँ आने पर मैं उन्हें अपने काल के समान कुबले पीड़ हाथी से मरवा डालूंगा। यदि वे कदाचित उस हाथी से बच गए तो मैं अपने वज्र के समान मजबूत और फुर्तीले पहलवान मुष्टिक और चानूर आदि से उन्हें मरवा डालूंगा। उनके मारे जाने पर वसुदेव आदि वृष्णि, भोज और दशार वंशी उनके भाई बंधु शोकाकुल हो जाएंगे, फिर उन्हें मैं अपने हाथों मार डालूंगा। मेरे पिता उग्रसेन यों तो बूढ़े हो गए हैं, परंतु अभी उसको राज्य का लोभ बना हुआ है। ये सब कर चुकने के बाद मैं उसको, उसके भाई देवक को और दूसरे भी जो जो मुझसे द्वेष करने वाले हैं उन सबको तलवार के घाट उतार दूंगा। मेरे मित्र अक्रूर जी, फिर तो मैं होऊंगा और आप होंगे तथा होगा इस पृथ्वी का अकंटक राज्य। जरासंध हमारे बड़े बूढ़े ससुर हैं और वानरराज द्विध मेरे प्यारे सखा हैं। शंबरासुर, नरकासुर और वाणासुर ये तो मुझसे मित्रता करते ही हैं, मेरा मुंह देखते रहते हैं। इन सब की सहायता से मैं देवताओं के पक्षपाती नरपतियों को मारकर पृथ्वी का अकंटक राज्य भोगूंगा। यह सब अपनी गुप्त बातें मैंने आपको बतला दी। अब आप जल्दी से जल्दी बलराम और कृष्ण को यहाँ ले आइए। अभी तो वे बच्चे ही हैं, उनको मार डालने में क्या लगता है। उनसे केवल इतनी ही बात कहिएगा कि वे लोग धनुष यज्ञ के दर्शन और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए यहाँ आ जाएं। अक्रूर जी ने कहा, महाराज, आप अपनी मृत्यु, अपनी अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिए आपका ऐसा सोचना ठीक ही है। मनुष्य को चाहिए कि चाहे सफलता हो या असफलता, दोनों के प्रति समभाव रखकर अपना काम करता जाए। फल तो प्रयत्न से नहीं, देवी प्रेरणा से मिलते हैं। मनुष्य बड़े बड़े मनोरथों के पुल बांधता रहता है, परंतु वह ये नहीं जानता कि देव ने, प्रारब्ध ने इसे पहले से ही नष्ट कर रखा है। यही कारण है कि कभी प्रारब्ध के अनुकूल होने पर प्रयत्न सफल हो जाता है तो वह हर्ष से फूल उठता है, और प्रतिकूल होने पर विफल हो जाता है तो शोकाग्रस्त हो जाता है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन तो कर ही रहा हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कंस ने मंत्रियों और अक्रूर जी को इस प्रकार की आज्ञा देकर सबको विदा कर दिया।
तदनंतर वह अपने महल में चला गया और अक्रूर जी अपने घर लौट आए।